अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। तो यार आज आपका भाई एक और फूड ब्लॉग लेकर आ चुका है। तो आज हम लोग पहुंचे हैं बेब्स हॉट चिकन। लोकेशन की बात करता जाऊँ तो ये है बेब्स हॉट चिकन। और जब आप F7 मार्केट के अंदर बिल्कुल एंटर होते हैं ना, तो वो वाली रोड जा रही है आपकी मेन, उसके बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये आपका बना हुआ है। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर लोग थोड़ा सा गेम को नहीं उठा पा रहे। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर इतनी भी खास नहीं है। यहाँ पर टेस्ट का बताते हैं आपको टेस्ट है। तो यहाँ पर ये सोच के आए थे इधर एसी वगैरह लगे होंगे, लेकिन इधर कोई ऐसा सीन नहीं है। हमें ज्वाइन किया है आज के ब्लॉग के लिए जुहैब हसन ने। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? हेलो ना हाइड कर यार, ये है अब्दुल्ला जो ये है। इधर आने का मकसद हमारा यही था कि हमने उसके रिव्यूज़ वगैरह सुने थे कि काफ़ी अच्छे हैं, ये तो अभी खा कर पता चलेगा ये कैसा है। दुख की बात ये ना कि हम लोग सोच गए थे कि इधर एसी वगैरह लगे होंगे, बट इधर ऐसा कोई सीन नहीं है। गर्मी है शदीद और हम लोग पंखे के ऊपर इधर गुजारा कर रहे हैं। इस पंखे पर हम गुजारा कर रहे हैं। सो दिस इज देयर मेन्यू। और हमने जो चीज़ ऑर्डर की है वो टेस्टी ब्रेड्स अंदर दो बर्गर प्लस फ्राइज प्लस मैग चीज़ 99। इतनी ज़्यादा देखिए चीज़ें आपको मुझे 99 में से बस आने की देर है। काफ़ी टाइम से अभी हम वेट करें, ऑर्डर हमने दिया है तो देखते हैं क्या बनता है। सर ये हमारा जो है ना भाई बहुत शाय है, कैमरा शाय है। आप क्या हो? सर मैं वैसे ही शरीफ इंसान हूँ। ब्लॉगर? यस, वो देख रहे ब्लॉगर, वो आप देख रहे हैं। पंखे ने मेरे सारे बाल खराब कर दिए, वरना मेरी इतनी अच्छी वीडियो बन। सर ये आपके लिए है। सर गर्म गर्म है ना, मैं गर्म नहीं पी सकता, मुझे ठंडी चाहिए। जैसे आपको ठंडी झुकते होती है, जैसे मेरी ठंडी किस्मत है। ओके, फाइनली जो हमारा ना ऑर्डर था वो आ चुका है आफ्टर 35 मिनट्स वेट। आए तो ट्राई कर मेरे ना, पहले आप साइज चेक करें। डिप के साथ सरकार के साथ जिनकी हॉट डिप मंगवाई है। कि कुछ आप क्रिस्पी पैटर्स वगैरह ट्राई करें ना, तो उसके ऊपर जो फ्लेक्स होते हैं वो काफ़ी एक्स्ट्रा लगे होते हैं जो आप अपडेट फ्रेंड कर देते हैं। तो इसका वो सीन नहीं है, ये काफ़ी लाइट है और काफ़ी मिलेगा। हाँ अच्छा, अब बारी है चिप्स की। ठीक है, चिप्स आपको जैसा नज़र आ रहे हैं कि एज नॉर्मल जिसमें हर जगह पर वैसे ही है, ज़्यादा ऑयली नहीं है। ये अच्छी बात है। इसका सीन ये कि इन्होंने ऊपर क्रश लगाई हुई है ना, वो बार बार उतर रही थी। बाकी ये है कि क्रिस्पी था और स्पाइसी भी था। दूसरी बात ये कि जो चिकन था ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्होंने ना अच्छी तरह कुक नहीं किया, तो ये मुझे एक ड्रॉबैक नज़र आया। बाकी अब बर्गर की बारी आती है। बर्गर का जो बन था वो काफ़ी सॉफ्ट था और जो अंदर इन्होंने मटेरियल डाला हुआ था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था। और मुझे अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे ना ज़्यादा ये पिकल सॉस वगैरह बर्गर के अंदर अच्छा नहीं लगता होता, लेकिन बर्गर वॉज़ वेरी गुड। जिन्होंने ट्राई करना हो बेशक ट्राई करें, उन्हें पसंद आएगा। अब बात आती है प्राइस की। प्राइस यार मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी है, क्योंकि ये जो हमें इन्होंने चीज़ें दी थी ना ये 1500 तक की होनी चाहिए। सही है। और रेस्टोरेंट की जो बात है, हमने तो रिव्यूज़ इसके अच्छे सुने थे, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, लेकिन वही बात है कि ओवररेटेड है। टेस्ट वॉज गुड, ठीक है। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो रेटिंग मैं इसको दूँगा 7/10।
ट्राई अगर आप लोग करना चाहते हैं बेशक ट्राई करें, बस आपको सिटिंग के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर तो आप अपनी गाड़ी साथ लाते हैं एसी वाले तो फिर कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी में ही लेकर जाएं, या आप लोग घर लेकर जाना थे तो घर ले जाएं। लेकिन बात हुई है कि मज़ा ना उधर बैठकर खाने का ही है, जो कि इन्होंने बर्बाद किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ चल रही हैं और जब तक एसी ना हो गुजारा नहीं होता बंदे का। तो यार आज के व्लॉग को करते हैं हम यहाँ पर एंड। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।